बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, जो पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन में लिया जा सकता है। वेरी इजी है, वेरी इजी टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट। फाइन टाइम इट टेक्स एंड वेलोसिटी दैट इट रिक्वायर्स ऑन री द ग्राउंड। मतलब एक स्टोन को फेंका गया है 100 फीट की हाइट से, और वो टाइम और वेलोसिटी फाइंड करें जो उसको ज़मीन तक पहुँचने में लगेगी। ये क्वेश्चन है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। जब कुछ चीज़ ऊपर से नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, जिसे मैंने यू से डिनोट किया, यू इक्वल टू जीरो, और उसकी जो हाइट है एक्स इज इक्वल टू 100 फीट है उसकी हाइट। और हमने स्पीड एंड टाइम मालूम करना है, वी मालूम करना है, और टी टाइम के लिए टी मालूम करना है। तो थर्ड समझे हमने, मैंने यहाँ लगाई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है, और एच हाइट होती है, या इसको एच कह लें, हाइट हाइट के लिए एच ले लें, 2gh हाइट मालूम करनी है। और जी मैंने यहाँ 32 लिया फीट में था, तो इसलिए मुझे जी भी 32 फीट में लिया। अगर आपका जो हाइट है वो फीट्स में है, मीटर में नहीं है, तो जी की कीमत भी 32 ली जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो इंटू 2 इंटू 32 100। तो इनकी जो वैल्यूज हमें दी गई थी वो हमने लगाई, जो नहीं थी मतलब इनिशियल वेलोसिटी की जीरो थी, तो वी स्क्वायर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 6400। एंड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, हमारे पास स्पीड आ जाती है ये फाइनल। और टाइम मालूम करना था, टाइम कितना लगेगा, तो इसके लिए मैंने थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ यहाँ यूज़ किया, थर्ड मैंने यूज़ की इसकी स्पीड या वेलोसिटी मालूम करने के लिए, और टाइम मालूम करने के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी मेरा 80 है, यू जीरो है, जी 32 है। टाइम मालूम कर लेंगे, जो आपको चीज़ें दी, जो डेटा दिया गया होता है उसको देख के ही आपने जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं हमारे पास न्यूटन की, वो उनमें से हमने चूज़ करनी होती है। तो ये यहाँ मुझे परफेक्ट लग रही थी, ये मैंने यूज़ की, यहाँ से मैंने टाइम कैलकुलेटर लिख कर लिया, विच इज़ t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है, इसका टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है।